प्राप्त स्कूलों पर प्रदेश सरकार के बढ़ते दबाव के विरोध में सिद्धार्थनगर जिले में राष्ट्रीय स्वरोजगार महासंघ के बैनर तले स्कूल प्रबंधकों ने आनंद विहार से आ रही हमसफर ट्रेन को रोककर जमकर हंगामा किया। 15 मिनट ट्रेन रोककर हंगामा कर रहे लोगों से पुलिस की तीखी झड़प भी हुई। यह लोग प्रदेश सरकार के रवैये से खफा थे। इनका कहना था कि हम लोगों को कुछ समय सरकार दे जिससे हम स्कूलों के तय मानक को पूरा कर सकें। गैर मान्यता प्राप्त स्कूलों को बंद करने की कार्रवाई को तुरंत रोका जाए, साथ ही स्कूलों की नवीन मान्यता के लिए निर्धारित नियम सरल किए जाएं। राष्ट्रीय स्वरोजगार महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष गोस्वामी गौरव भारती का कहना था कि प्रदेश सरकार अभी भी हमारी मांगों को नहीं मानती है, तो हम लोग आगामी 28 तारीख को संत कबीर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को काले झंडे दिखाकर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। बहुत ही छोटी सी मांग है, हम उत्तर प्रदेश सरकार से बस इतना कह रहे हैं कि भाई जो गैर मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं, जिनको आपने आज अमान्य विद्यालय घोषित कर दिया, फर्जी विद्यालय घोषित कर दिया, वो जनता का विद्यालय है। उसमें हमारे समाज के गरीब तबके के बच्चे पढ़ते हैं जो 100-150 रुपए में पढ़ते हैं, उसे सरकार बंद कर रही है। तो हम बस सरकार से ये कह रहे हैं कि देश के अन्य राज्यों की तरह हमें भी 3 वर्ष का समय दिया जाए, ताकि हम अपनी जो मानक है उसे पूरा कर सके। इसे बंद कर रही है और तानापुर तरीके से बंद कर रही है, लोगों को ले जाके जेलों में डाला जा रहा है, उनसे 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूला जा रहा है, उनके स्कूलों पर उनको बेइज्जत किया जा रहा है, बच्चों को खींच के प्राइमरी स्कूल में भेजा जा रहा है, जहां बच्चे ये कह रहे हैं कि मैं जहर खा लूंगा पर प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ूंगा। इस अवस्था में हमारी योगी जी से प्रत्येक स्तर पर मांग हुई, हमने धरना प्रदर्शन किया, हमने चक्का जाम किया, पुतला जलाया, हमने सारे सांसद विधायकों को ज्ञापन दिया, पर हमारी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही है और लाठी के बल पर हमें दबाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज मजबूरन हम इस रेल रोको अभियान को करने के लिए मजबूर हुए कि माननीय प्रधानमंत्री तक हमारी बात जाए और वो इस देश के गरीब जनता की आवाज बनके आज प्रधानमंत्री है, तो इस गरीब जनता के लिए वो इस कार्रवाई पर रोक लगाए, हमें 3 वर्ष का समय दे जिससे कि हम अपने विद्यालयों की मान्यता को पूर्ण कर सके। अगली कार्रवाई हम 28 तारीख को प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं मगर में, हम उनके काफिले को रोकने का पूरा जोर लगा देंगे, उनके काफिले को रोकेंगे और उनको काला झंडा दिखाएंगे जिससे कि वो उन तक हमारी विरोध प्रदर्शन पहुंचे और वो हमारे साथ आए।